हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम मुमताज है। मैं वशर। सो गाइस, कंचना 4 या 3 है भाई, है ना? 3 है ना, पता नहीं कौन सी है लेकिन कंचना मतलब है। कंचना ही है, कोई उसका हॉरर सीन लेकर आया। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं, रेड और एंड स्टार्ट। पीछे कोई बच्ची थी ना राज, कान ऑफलाइन है, मतलब सेफ है। अब उसको समझ नहीं आ रही, वो नींद में लग रहा है। इसको देख रहा है, वो डर ही नहीं था भाई। नशे में नहीं है भाई। डर क्यों नहीं रहा? ये डर क्यों नहीं रहा भाई? कृष्णा की बांसुरी सुन के गोपी आती थी, तेरी बांसुरी सुन के भूतरी भाग रही है। ब्रेन ब्लोइंग, बजाते रहे फ्लूट से लूट उनका चैन। अरे बाबू, ढोलक बजा रहा है क्या? अरे गधे कहीं क्या है? उसके अंदर भूत चले गए क्या? अपरिचित, क्यों भी मोटे? एक गिरे हुए इंसान की मदद नहीं कर सकता। तेरी माँ ने तुझे तमीज नहीं सिखाई। भूत के नाम पे कलंक है तू। नौटंकी करने के लिए भूत ही मिला। वोट देने के बाद ठेका मिलता है। पिज्जा आधे घंटे में पहुंचता लेकिन एम्बुलेंस नहीं। कैसा देश है ये? नेताजी, मुझे रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। खामोश, अमीर देश की गरीब जनता। पर आपने ये देने का वादा किया था। ए, मैं वादा तोड़ने के लिए करता हूँ। मैं मर जाऊंगा मेरी बला से। आपको अपने बच्चों की सौगंध। मुझसे दूर हो, तुझसे आ रही है दुर्गंध। सही बोल रहा है यार, मैं नहा के आता हूँ। अपरिचित का पावर है भाई। छल कपट से पांडवों को हराया, मामा से चीटिंग सीखी दुर्योधन। तेरे रास्ते लगाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। क्यों करता है अपने आप पर घमंड? तू तो है सबसे बड़ा पाखंड। जब तेरे पापों का घड़ा भर जाएगा, तब तू अपना काला मूल्य सीधा मेरे पास आएगा और तभी होगा तेरे पापों का अंत। तैयार हो जा अपना चीर हरण करवाने के लिए। अबे चलती फिरती नाटक कंपनी, हीरो हीरोइन विलन सबके डायलॉग खुद ही बकता रहता है। अरे कौन है तू? ये भूत को लगा है। ए, मैं फ्लॉप होकर हिट हुआ हूँ, इसका मतलब मैं बासीगर हुआ। ए, किसी के गाल अच्छे हैं, किसी के बाल अच्छे, लेकिन मैं कहता हूँ लड़कियाँ अच्छी नहीं है। अगर शराब बुरी चीज है तो उसे पीकर ही खत्म करते हैं। चाहे ओबामा हो, सामा हो, सब हमारे घर आकर हमारे भैंसिया का दूध का चाय पी के गाय है तुम आत्माओं को पिलाएंगे। पता है एक बार हम हेलीकॉप्टर में पटना से मुंबई जा रहे थे अंगोछा लेने और गलती से ससुरा खैनी खा लिए। खैनी खाते ही भेजा झन्ना के और थूकने का दिल हुआ तो खिड़की खुली ही नहीं। फिर आगे क्या हुआ बताना। ए, क्या एक बार में पूरी पिक्चर देखेगा? हाँ, एक बांसुरी बजा के भगाता है, दूसरा डायलॉग मार के भगाता है। तू क्यों हंस रहा है? तुम क्यों हंस रहा? वो मुझे लगा तूने मुझे बुलाया। मुझे सुसु जाना। सुसु जाना मुझसे क्यों पूछ रहा है? जब तक मैं सुसु करूँ तब तक तुम पकड़ोगे क्या? क्या पकड़ो? बांसुरी। ओ, ये वाली बांसुरी, ठीक है जा। वैसे साथ चलते तो और ज्यादा मजा आता मुझे। एक बात बता, तू सुसु करने जा रहा है दीवार पे पेंटिंग बनाने जा रहा है जो मैं साथ चलूं? अकेले जा, भलाई का जमाना ही नहीं। जा, नहीं तो खींच के कुल्ली करवा दूंगा। चल। वैसे डर के मारे पूरा शरीर गीला हो चुका है। ओ, मतलब ये नहीं डर रहे, एक अजीब है। ओए, हाँ, ओ, हाँ बाबू, एक मिनट, बस हो ही गया। मेरे के साथ अंधा भी है क्या? सर, कैसे पता चला? अंतरयामी हो? मटके में जो कर दिया। आजकल कमोड भी मटके के शेप में आने लगे। अबे साइलेंट मोड या कमोड नहीं है। आप भी ना सर, अच्छा मजाक कर लेते हो। ठीक है चल, फ्लश कर और बाहर निकल। है
फ्लश कर, फ्लश सुना नहीं क्या? मुझे दूसरों के सामने फ्लश करने में शर्म आती है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाथ धो गया ना? रात भर फ्लश ही करता रहेगा क्या? तुम अब तक गए नहीं क्या? टॉयलेट में तुझे लेट राजू बना दूं? सर मेरी बात सुनिए, एक्चुअली एक और प्रॉब्लम है। अरे बाप रे, सूरज ढलने के बाद मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, किसी को बताता। छोड़ ये मेरा पैर नहीं है, रुक। तुझे नाइट ब्लाइंडनेस है? हां सर। फिर तो सारे कनेक्शन लूज है। थैंक यू सर। एक बात पूछूं, दिन रात बांसुरी क्यों बजाता है? दरअसल जब भी डर लगता है तो मैं बांसुरी बजाता हूँ, म्यूजिकल थेरेपी है। ओहो, एटीएम में क्यों बजाया था? मैं डरा हुआ था। और अभी सोफे पे? वहाँ भी डरा हुआ था। बेवड़ा ऊपर किसके साथ कबड्डी खेल रहा है? बैरा भी है। ले पकड़ से, डर लगे तो फिर से बजा लेना। स्पीकर और डिस्प्ले दोनों डिफेक्टेड है। बात थोड़ी पकड़ी गई बेवकूफ। तुलसी चाटे, ए चाटे, ये चाटे बोतल छट करके कहाँ चला गया? खतरनाक कुछ होने वाला है। अबे एक और सोया हुआ यहाँ पर स्लीप कर रहा है। ये मेरा टॉय है। ये मेरा टॉय है, मुझे वापस कर दो। बहरे हो क्या? आवाज नहीं आ रही। ए, काय को ठोक रही है? वो टॉय मेरा है। टॉय तेरा किधर से हो गया? आंखों में चूना लगाया तो क्या मेरे को भी चूना लगाएगी? मैंने कहा ना वो मेरा है। ए, भाई नहीं देने वाला। अगर तेरे को टॉय चाहिए तो जा केस कर मेरे पे, लेकिन याद रख अगर तू केस हार गई ना तो तेरे सारे खिलौने मैं ले लूंगा। चल जा, जाके होमवर्क कर। चमाइला खटिया के नीचे से रात को टॉक टॉक करके उठा दिए। तू सो जा रे। सुन चाटे, चल नीचे, चल नीचे। नहीं आऊंगा मैं, गेट आउट। बॉटल खोलेंगे, आ जा। ये तो रे में दुनिया मेरा घर है, धरती मेरी माँ है, बस स्टैंड पर मेरा अड्डा है, प्लेटफॉर्म पर मेरे बड़े बाबू का धंधा है, बड़े काम का ये बंदा है, आजकल धंधा बंद है। ओ बाबू भाई, बाबू भाई। अच्छा सिद्धू भाई, तुलसी भाई और बाबू भाई को बुला लो, मजा आएगा। लेफ्ट राइट बैठे अंताक्षरी खेलते हैं। अबे तू क्या भूतों का डीजे जो उनके लिए रिमिक्स बजाएगा और भूत ताता थैया करेंगे? अरे पीएलआई क्या? ये घर मेरा है, इधर नो डीजे। ये घर हमारा है, ये घर हमारा है। ये घर तेरा नहीं, ये घर मेरा है। तुलसी चाटे का है, तुलसी चाटे का। पूरी फैमिली है भाई। ये घर हमारा है। सीधी तरह यहाँ से चले जाओ, वरना तुम लोगों को भी मार मार के भूत बना दूंगा। अगर तुम्हें मरने से डर नहीं लगता है तो हम तुम लोगों को डरा कर मार देंगे। ए, पता है हम भूतों के पास एक चीज नहीं होती है, मरने का डर। डर और खौफ से हमारी पुरानी दोस्ती है। आज तुम्हारी आंखों में डर देखकर बहुत सुकून मिल रहा है मुझे। ये सुसु तुझे डर के मारे आ रही है। एक्टिंग ठीक है पर वॉइस मॉड्यूलेशन कहाँ है? भूत के सीन में आवाज के साथ फेस पर एक्सप्रेशन चाहिए, पहली फिल्म में ऐसा होता है। ओए बस दो घंटे में मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि डराते कैसे। ऑस्कर शॉट। ओए ठीक है, मैंने सिखाया है। दादाजी इस चड्डे को मैं एक्टिंग सिखा दूंगा, वैसे आजकल मैं कोई कमिटमेंट नहीं करता। बैड भूत कितनी ओवर एक्टिंग करता है, डराना क्या मैं सिखाऊंगा? तो सीखने के लिए तैयार हो जाओ। एक बात और, एक्टिंग कभी क्लास से नहीं सीख सकते, अगर सीखे तो घंटी बज जाएगी। निकल निकल, तू भी निकल। डर इज गॉन। इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। भाई भूतों की इज्जत ही नहीं है, भूत क्या है? जॉब छोड़ दे, ये भूतों से बड़े खतरनाक है। एक है हाँ, जो बहरा भी है और हाँ, रात को नजर। अच्छा वो डरता है हाँ, लेकिन उसको नजर ही नहीं आता तो बाजरे बजाते रहता है। एक बेवड़ा है, वो ये समझ रहा है बच्चे आए हुए उससे डर नहीं रहा, उसको भगा। एक एक्टिंग में इतना बीमार है, वो एक्टर
अगर सबको समझ रहा है भूतों को भी, और जाकर वो चीख वाली सारे भाग गए। एक सबसे ज्यादा डर रहा है, बाकी सारे एक ही समझदार है थोड़ा, जिसको कुछ अक्कल है भाई। अच्छा बच्ची खिलौना कहती भाग यार से नहीं दे भूतों की कोई इज्जत ही नहीं। भाई साहब ये क्या बात है यार, मतलब इनको डर ही नहीं लगता भाई। सही बात है, मजा आया गाइस। आपके क्या कहना अपनी कमेंट सेक्शन में, बहुत ज्यादा रखना तो यार।